भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की जा रही है, जो कि आगामी 26 जनवरी से शुरू होगा। इस अभियान की तैयारियों को लेकर आज कांग्रेस जिला प्रभारी नवीन जोशी कोटद्यार पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ इस संबंध में बैठक की, साथ ही इस अभियान को धन्यवाद। नवीन जी, प्रभारी साहबान का निर्देश हुआ है कि आपकी ओर से भी देखिए, राहुल गांधी जी द्वारा पूरे देश में चलाई जा रही भारत जोड़ो यात्रा, उसकी अपार सफलता के बाद आज पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा पूरे देश भर के अंदर निकालेंगे। उसी परिप्रेक्ष्य में मेरे को यहाँ पे कोटद्वार का जिले का प्रभारी बनाया है, उसके लिए मैं पार्टी हाईकमान का धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। जो हमारी ये यात्रा रहेगी पूरे हमारे ब्लॉक स्तर से, जो हमारे जो मतदान केंद्र है, पोलिंग बूथ स्टेशन है, उसको पूरे को छूती हुई निकलेगी हमारी, और उसमें पूरे हम ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर इस पर कार्यक्रम करेंगे और पद यात्राएं निकालेंगे। और एक हम चार्जशीट भी हम लोग तैयार करेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो जनता के साथ वादे किए थे कि हम यहाँ पे भ्रष्टाचार रोकेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, काला धन लेके आएंगे, और यहाँ से हम पलायन को रोकेंगे, जो उन्होंने घोषणाएं करी थी उस पर हम जो आरोप पत्र तैयार करेंगे, उसमें यह होगा कि उनकी घोषणा का क्या हुआ। जो जनता से उन्होंने वादे किया वो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ने जैसे सपने दिखाए थे कि हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, काला धन लेके आएंगे हम लोग, तो ये सारे मुद्दे कहीं उसकी तरह तो नहीं है। आज वो हम आरोप पत्र भी हम लोग यहाँ पे तैयार करेंगे और हमारे पूरे ग्राम स्तर पर हमारी पद यात्राएं निकलेगी और लोगों को जागरूक करने का काम हमारी यात्रा निकलेगी। इसमें हमारे ब्लॉक स्तर पे हम लोग इसमें प्रभारी भी बनाएंगे, सह प्रभारी बनाएंगे, जिनके जो उन कार्यक्रमों को संचालित करेंगे, और मैं भी यहाँ पे रहूंगा, मौजूद रहूंगा। तो 26 तारीख से हम इस यात्रा को शुरू करेंगे, पूरे देश भर के अंदर यात्रा निकल रही है, उत्तराखंड में भी हमारी राजधानी सहित हमारे कोटद्वार में और राज्य के अन्य हिस्सों में भी हमारी यात्राएं निकलेगी। निश्चित तौर से इससे जो भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा जनता के सामने आएगा।